क्योंकि ये जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज है, और इस चीज का आप यूज सही से अगर करना सीख गए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी के लिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को बेटर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, बिना परेशान हुए, बिना उससे अटैच हुए, उसको अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, अच्छे फायदे के लिए, ठीक है ना। तो इस लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अप्लाई करने का मैं 4 से 5 पॉइंट रखूंगा, और वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स होंगे। उसका आप अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैं कवर करना चाहूंगा वो ये होगा कि आप जो है ना, अपने विजन और अपने गोल्स को कहीं अपने विजन बोर्ड पर या अपने वॉल पर, अपने घर के अंदर या जैसे भी पेस्ट कर लें। उससे क्या होगा कि जब तक कोई तस्वीर, कोई आपका विजन आपके आंखों के सामने होता है ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को धीरे 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 प्रोग्राम कर रहा होता है, तो आप उस चीज के फ्रिक्वेंसी पे आने लग जाते हैं, ठीक है। एक तरीका ये होता है। और जब आप किसी ड्रीम के फ्रिक्वेंसी पे आ गए, जब वो उस चीज ड्रीम के फ्रिक्वेंसी पर आने के बाद आप उसके फीलिंग को ऑलरेडी अपने मन में बनाए हुए, जैसे मान वो आपको मिल गई हो, तो फिर आप धीरे धीरे आप उस ड्रीम की ओर बहुत जल्दी आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर जो दूसरा हमारा पॉइंट होगा, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसे करना चाहिए, वो ये है कि आप कोई ना कोई अपने फिजियोलॉजिकल बेनिफिट के लिए, है ना, कोई ऐसा एक स्पोर्ट्स चुन लें, कोई ऐसा एक आर्ट चुन लें, कोई ऐसा गेम खेलें जिसके मदद से आपको कभी ये ना फील हो कि मैं कोई जो चीज करना चाह रहा हूँ वो हो क्यों नहीं रहा। आपका ध्यान थोड़ा आपको वहां से डाइवर्ट करना होगा। आपको हमेशा अपने ड्रीम के साथ अटैच नहीं होना। तो फ्लो में रहने के लिए आपने फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए कुछ ना कुछ करिए, ठीक है। तो मैं तो मार्शल आर्ट यूज करता हूँ इसके लिए। तो उससे क्या फायदा हो जाता है कि मेरा जो ध्यान है बहुत बार अपने ड्रीम को छोड़कर इन द मोमेंट में रहने में मुझे हेल्प करता है। तो वो जो आर्ट है उसको आप जब डेवलप कर रहे होंगे तो आपको मजा आ रहा होगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ड्रीम के लिए पिक्चर्स के थ्रू, वो तो प्रोग्राम हो ही रहा है, आप उसके लिए एक्टिविटी कभी ना कभी तो करेंगे ही, तब तक आप फ्लो में हैं। तो जब आप किसी चीज से अनअटैच्ड हो जाते हैं, मगर उसके लिए मन ही मन सबकॉन्शियस लेवल पर उसके लिए आप जब जागरूक होते हैं, तो वो धीरे धीरे एक्शन में आने लग जाता है। तो ये एक तरीका था कि आप अनअटैच्ड रहें और फ्लो में रहें, और मेरा एक फ्लो पे वीडियो बना हुआ भी है। और इसीलिए जब आप फिजियोलॉजिकल बेनिफिट को देखते हैं तो आपका वर्कआउट बहुत मस्ट है। मतलब आपको एक्सरसाइज करना ही है, अपने बॉडी और माइंड का टेक केयर करना ही है, ठीक है ना। तो आप वर्कआउट भी करिए, और अपने माइंड और बॉडी को कोऑर्डिनेटेड रखने वाला कोई भी ऐसा एक्टिविटी हो जो आप कर सकते हैं, उसे आपको जरूर करना चाहिए। टीम वर्क करेंगे तो और अच्छी बात है। अगर आप अकेले भी हैं तो कोई बात नहीं, आप अकेले ही एक्शन लेते रहिए। तो यही था नॉन अटैचमेंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लॉ को यूज करने के लिए। तो तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब आप अपने ड्रीम्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं मन ही मन, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस ड्रीम को पाने के लिए रेडी हो गया है, तो आपको फील होने लगेगा जैसे मानो वो ड्रीम ऑलरेडी फुलफिल हो गया है आपका। आपके विशेष, आपके विजन्स कंप्लीट हो गए हैं, फुलफिल हो गए हैं। तो आपको अब क्या करना है कि लॉ ऑफ एजम्पशन यूज करके ये मान लेना है कि ड्रीम्स पूरे हो गए हैं, अब आप उनके लिए ग्रेटफुल हो जाए। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बना लें, उसमें ग्रेटफुल रहें और लिखें, ग्रेटफुल लेटर्स लिखें कि थैंक्स द यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग दिस विश ऑफ माइंड। और इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इससे ये कम हो जाएगा कि आप जो है अपने ड्रीम्स के लिए ऑलरेडी ग्रेटफुल हैं, तो आप इससे क्या करेंगे, अपने ड्रीम्स को अपने तरफ और जल्दी आकर्षित कर रहे होंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जो अब फोर्थ पॉइंट है वो है विल पावर। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बहुत बार विल पावर से सिर्फ बात नहीं बनती। आपको कभी ना कभी एक पावरफुल एसोसिएशन चाहिए होगा। तो आप जितना हो सके, अगर मौका मिल रहा है तो एसोसिएशन, पावरफुल एसोसिएशन, बहुत अच्छे एसोसिएशन में रहने की कोशिश करें। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी उठा लें, आप जिस चीज के लिए काम कर रहे हो तो ठीक है ही, उसके साइड से पार्ट टाइम के लिए भी कोई ना कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी उठा लें जो आपको एक अच्छे एसोसिएशन में रहने का मौका देगा। तो उससे क्या होता है, गुड टीम वर्क, गुड एसोसिएशन से आपका विल पावर और स्ट्रांग हो जाता है, और आप और ज्यादा अपने ड्रीम के प्रति जागरूक होकर काम करने लग जाते हैं, और आपको बहुत मजा आ रहा होता है, और आप फ्लो में हो जाते हैं। फ्लो स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ फ्लो में रहना। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में मुझे क्या लगता है ना, बुक रीडिंग। जब आप बुक पढ़ते हैं, कोई भी पावरफुल किताब पढ़ते हैं, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स हैं, जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फर्दर एनहेंस होता है, पावरफुल होता है, और उसका जो एंड्योरेंस है वो बढ़ता है, और जो जितने भी आप ड्रीम्स है ना उनको टिकाने की शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग बना के ही किया जा सकता है, आपके विजन के सेंस को स्ट्रांग करके किया जा सकता है। और वो आप पर्सनली कोई किताब को, फिजिकल बुक को, ना कि केवल ई बुक
या फिर किंडल में डाउनलोड करके किसी पीडीएफ फाइल को, उसे नहीं, मतलब उसे नहीं पढ़ने बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि फिजिकल बुक को खुद उठाएं, उसे देखें और पढ़ें, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉग्निटिव एबिलिटी भी बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं बहुत बार जोर डालता हूँ कि आप खुद से फिजिकल बुक की रीडिंग करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5th पॉइंट के तौर पर। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और ये आपकी बहुत मदद करेगा। ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए मुझे लगता है, और आप इन 5ों पॉइंट्स को टाइम टू टाइम करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप बहुत एफिशिएंटली अपने ड्रीम की तरफ बढ़ रहे होंगे आगे, और सही समय आने पे आपके ड्रीम्स पूरे ज़रूर हो जाएंगे। और लास्ट में जाते जाते मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो हम 5 पॉइंट्स कर रहे हैं इनको करने से होता क्या है, ठीक है, इसके पीछे का थोड़ा साइंस देखते हैं। इन 5ों पॉइंट्स को करने से ये होता है कि आप अपने ड्रीम की फ्रिक्वेंसी के साथ रेजोनेंस कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। जब आप किसी अपने ड्रीम को सोच रहे होते हैं ना, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है और आप जो सोच रहे हैं ड्रीम को, आपने आपके सोचने की फ्रिक्वेंसी दोनों जब मैच करती है तो रेजोनेंस होता है। और ये रेजोनेंस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये रेजोनेंस नहीं होगा आप कितना भी फर्ट लगाते रहें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप राइट इफर्ट और एक्शन भी कर रहे हैं और सही फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट हो रहे हैं, और जब आप फ्लो कंडीशन में इन 5ों पॉइंट्स को यूज़ करके, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या मेहनत या सर दर्द करने की ज़रूरत नहीं है, सर पटकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने ड्रीम की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। या आपके ड्रीम्स आपको आंखों के सामने समय के साथ आपके राइट मैच्योरिटी और आपके राइट टाइमिंग के आपको वो पूरे होते दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस को समझ लें। तो रेजोनेंस का साइंस क्या है? तो साइंस हमारा क्या है कि जब जो आपका ड्रीम का फ्रीक्वेंसी और आपके सोचने की फ्रीक्वेंसी उस ड्रीम को जब दोनों रेजोनेट होते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट आता है, यानी कि आपके ड्रीम्स पूरे होने लग जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है रेजोनेंस का, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में अपने बात भी किया था ओपेरा सिंगर के बारे में, वो आप इस वीडियो को देख के समझिए कि ये कैसे हो रहा है। ये वीडियो जब आपने देखा तो आपको क्या पता चला कि जब आप राइट फ्रिक्वेंसी पे किसी ऑब्जेक्ट के, उस ग्लास के राइट फ्रिक्वेंसी पे, जब आपने अपनी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी वाली वॉइस को सेम फ्रिक्वेंसी पे बाहर निकाला, ठीक है ना, तो वो ब्रेक कर गया। तो ये इतनी आसानी से तो होगा नहीं, लेकिन बहुत मेहनत करने से भी नहीं होगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखेंगे। लेकिन उस जो वो जो लेडी थी, उन्होंने उस फ्रिक्वेंसी पे, उस ब्रेक करने वाली फ्रिक्वेंसी पे अपने आप को लाने के लिए अपने आप को ट्रेन किया बहुत, ठीक है ना। उसके लिए मेहनत लगी, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने से भी नहीं ब्रेक हुआ, बहुत कम चिल्लाने से भी ब्रेक नहीं हुआ। एक राइट इफर्ट के साथ से एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जब उन्होंने उस इंटेंसिटी पे वॉइस को बाहर निकाला तो वो ग्लास ब्रेक हो गया। तो इसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है हमें, लॉ ऑफ वाइब्रेशन का यूज़ करके अपने ड्रीम को पूरे करने के लिए, ठीक है ना। और इस पे एक मैंने वीडियो पहले भी बना रखा था कि मैंने मार्शल आर्ट में इस चीज़ को जाने अनजाने में इस लॉ को कैसे यूज किया था, उसका ये थंबनेल है, इसको आप जाके ज़रूर देखें। इन तीनों एग्जांपल्स से आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि राइट फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट होकर एक्शन करना कितना इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रिक्वेंसी ही आपके ज़िंदगी को बदल सकती है, इसीलिए ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज लगता है मुझे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए मुझे लगता है इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, कीप इंस्पायरिंग। जय हिंद।